नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। डिजियाना परिवार की तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तरफ तो कई सामाजिक संगठन गुनिया नदी को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। कई बार सामाजिक संगठनों ने इस हेतु आंदोलन एवं जन जागृति के लिए प्रदर्शन भी किए, साथ ही कई सामाजिक संगठनों ने इसकी साफ सफाई भी करवाई। बावजूद इसके इसका अस्तित्व आज भी खतरे में है। हम बात कर रहे हैं शहर के बीचों बीच निकलने वाले गुनिया नदी की, जिसकी हालत आज एक गंदे नाले से ज्यादा कुछ भी नहीं। साफ सफाई और रखरखाव के अभाव में यह दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हालांकि नगर पालिका ने इसकी कई बार साफ सफाई भी कराई। अकेले नगर पालिका के साफ सफाई करने से क्या होता है, जब एक आम नागरिक ही ना चाहे इसको साफ करना। हालांकि नगर पालिका गुनिया नदी की सफाई के लिए कई बार प्रयास भी कर चुका है, लेकिन जब तक लोगों में उत्साह नहीं आएगा, अपने आप में साफ सफाई करने की इच्छा जागृत नहीं होगी, इस नदी का उद्धार नहीं हो सकता है। देखा जा रहा है कि शहर के सभी होटल, दुकानें और घर की गंदगी इसी नाले में पटक दी जाती है, जिसको कई बार नगर पालिका सफाई भी करा चुका है। डिजियाना परिवार आप सभी से आग्रह करता है कि आप गुनिया नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए नगर पालिका का सहयोग करें और इस नदी में गंदगी ना करें। ईद का चांद दिखते ही लोगों के चेहरे पर खिली मुस्कान। आज शहर में धूमधाम से मनाया गया ईद का त्योहार। सुबह 10:30 बजे ईदगाह पर ईद की सबसे पहली नमाज अता की गई, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। मुस्लिम समुदाय में ईद का बड़ा ही महत्व है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ईद के शबाब के रंग में रंगे नजर आए। समाज के लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर ईद की मुबारकबाद दी। पुलिस प्रशासन ने अपनी कमान चाक चौबंद रखी हुई थी, जिससे शहर में कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो। आज के इस ईद उल फितर के मुबारक मौके पर मैं जिला वक्फ बोर्ड अध्यक्ष लियाकत खान और यही उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हमारे शहर में एक दूसरे में भाईचारा है, ऐसा ही भाईचारा बना रहे और जहां पर जितने भी खुसूसी मेहमान पुलिस प्रशासन आई हमारे यहाँ और भी तमामी डिपार्टमेंटों से जो लोग आए उनका हमें यहां पर सहयोग रहा, हम उनका भी तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इतना प्रखंड विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा रावगढ़ की बैठक NFL पालिका बाजार के हनुमान मंदिर पर संपन्न की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्याम ओझा ने की। उन्होंने संगठन के आगामी कार्यक्रमों के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि प्रांतीय बैठक 1 और 2 जुलाई को विदिशा में संपन्न होने जा रही है, साथ ही विश्व हिंदू परिषद के आयाम धर्म प्रसार की बैठक 7, 8, 9 जुलाई को दतिया में रखी गई है। बैठक में उपस्थित जिला मंत्री कमलेश शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी, कमल संत, राजेश रघुवंशी, विनोद मीना, पुरुषोत्तम साहू, मंत्री अर्जुन गुर्जर, प्रखंड बजरंग दल संयोजक गोलू ओझा, नगर संयोजक विष्णु गुर्जर, नगर सहमंत्री अरुण चूरवंशी, अरुण सेन, गोलू सेन, राधे मोहन यादव आदि समस्त कार्यकर्तागण मौजूद थे। सुबह से उमस के चलते लोगों का बहुत ही बुरा हाल था। ना तो कूलर काम कर रहे थे और ना ही पंखे। ऐसे में बारिश की बूंदें गिरते ही लोगों के चेहरे खिल गए, साथ ही मौसम भी बहुत खुशनुमा हो गया।
हालांकि रुक रुक कर होती रही दिन भर बारिश, जिससे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वे घर पर रहें या बाहर जाकर अपने काम निपटा लें। शाम होते होते तापमान में गिरावट आई, हालांकि उमस अभी भी बनी हुई है। क्या हो अगर जनता का रक्षक ही भक्षक बन जाए। जनता की रक्षा एवं चोरों से सुरक्षा के लिए तैनात की गई पुलिस के जवान अगर चोरी करने लगे तो क्या होगा। जी हां, ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक पुलिस कांस्टेबल चोर निकला। चाचोड़ा में पदस्थ कांस्टेबल ही निकला चोर। छिंदवाड़ा में पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया ये कांस्टेबल। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस की एक रिवॉल्वर कुछ समय पहले चोरी हो गई थी, जिसे छिंदवाड़ा निवासी जितेंद्र उइके के पास बरामद किया गया। जितेंद्र उइके चाचोड़ा थाने में कांस्टेबल के पद पे पदस्थ है। आपको बता दें, जितेंद्र उइके थाना चाचोड़ा में कांस्टेबल के रूप में पदस्थ है। इस बात की पुष्टि शहर के एडिशनल एसपी सत्येंद्र तोमर ने की है। सूत्रों की माने तो जितेंद्र के संबंध वाहन चोरी करने वालों से भी हैं। अभी पूछताछ जारी है। ईद के त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक कल देर शाम आरोन में संपन्न हुई। थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ईद के दौरान क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए इस पर चर्चा की। शांति समिति की बैठक आरोन अनुविभागीय अधिकारी नीरज शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष कृष्ण सिंह रघुवंशी, आरोन थाना प्रभारी जगबीर सिंह परवार सहित नगर के गणमान्य नागरिक, अधिवक्ता, पत्रकार, जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे। शांति समिति की बैठक में सफाई एवं विद्युत संबंधी बातों पर चर्चा की गई। हालांकि वहां पर विद्युत मंडल से कोई भी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित नहीं था। आरोन से हमारे सहयोगी मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।